हेलो एवरीवन वेलकम बैक दिस इज रोहित सेमवाल तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया था कि किस तरीके से आप एज अ सेलर गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस प्लेस के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो तो जितने भी रजिस्ट्रेशन आप करते हो ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन करता है तो वो एज अ रीसेलर रजिस्ट्रेशन होता है तो जब मैं सेलर की बात करता हूं ना तो सेलर में भी जेम पे दो तरीके की प्रोफाइल है देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोफाइल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अगर मैं सेलर साइड की बात करूं तो वन इज रीसेलर प्रोफाइल और अनदर वन इज ओई प्रोफाइल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर तो जो लोग मैनुफैक्चर हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो प्रोडक्ट को बनाते हैं उनको अगर जेम पे एज अ मैन्युफैक्चर वर्क करना है या फिर एज अ ओई वर्क करना है ना तो उनको वेंडर असेसमेंट कराना होता है तब जाके वो जेम पे एज ओईएम वर्क कर पाते हैं कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जेम पे हम लोग ऑटोमेटिकली एज ओईएम रजिस्टर हो जाएंगे बिल्कुल भी नहीं जेम पे आप ओईएम तब तक नहीं बनते जब तक आप वेंडर असेसमेंट प्रोसेस ना कंप्लीट कर लें तब तक आप एज अ रीसेलर ही रहते हैं तो जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं ना वो एज अ रीसेलर रजिस्ट्रेशन होता है पहले बाय डिफॉल्ट और इन केस अगर आपको एज अ ओईएम वर्क करना है तो आपको वेंडर असेसमेंट के लिए अप्लाई करना होता है तो वेंडर असेसमेंट होता क्या है देखिए अब ओईएम क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ओईएम क्या होता है कोई भी एक प्रोडक्ट जैसे मैं एग्जाम्पल ले लू कि ए ब्रांड का प्रोडक्ट आप किसी दुकान वाले से ले रहे हो तो वो जो दुकान वाला है ना वो रीसेलर है और जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है वो उसका ओ है जैसे एक एचपी का लैपटॉप किसी दुकान से लेते हो आप तो जो, जो दुकान वाला है वो रीसेलर है और एचपी जो है उस प्रोडक्ट का ओ है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है तो जो लोग मेनुफैक्चर हैं जो जेम पे एज अ ओईएम वर्क करना चाहते हैं तो उन्हें वेंडर असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना होता है वेंडर असेसमेंट के लिए अप्लाई करना होता है वेंडर असेसमेंट क्या है एक तरीके का आप बोल सकते हो कि ऑडिट बोल सकते हो या फिर आप वेरिफिकेशन बोल सकते हो कि राइट्स की टीम एक वेंडर असेसमेंट कंडक्ट करती है 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 जिसमें वो वो लोग चेक करते हैं कि कि जो बंदा आपने आपको बता रहा वाकई में है कि नहीं है तो आज से एक डेढ़ महीने पहले की बात करूं तो ये जो वेंडर असेसमेंट का प्रोसेस है ना ये क्यूसीआई करती थी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बट अब राइट्स ने इसे ओवरटेक कर लिया है अब राइट्स इस प्रोसेस को कंप्लीट करती है तो वेंडर असेसमेंट में होता है क्या है देखिए वेंडर असेसमेंट 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 दो पार्टों में में होता है डेस्कटॉप डेस्कटॉप एंड वीडियो तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है प्रोडक्ट बताने होते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप बना रहे हो देखो ऐसा नहीं है कि जब आप वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करते हो या वेंडर असेसमेंट आपका हो जाता है तो जितनी भी कैटेगरीज पे अवेलेबल है सबका ओईएम पैनल मिल जाता है आपको बिल्कुल भी नहीं जो भी कैटेगरीज आप

कि कितनी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है उसका यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितना है कौन कौन सी मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो उस मैनुफैक्चरिंग करने में उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल किससे ले रहे हो आपका जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग uh, प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है उसका एक फ्लो चार्ट बना के आपको देना होता है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करनी होती है इन शॉर्ट

आपका एक ऑनलाइन वीडियो वेरिफिकेशन होता है जहां पे आपको अपनी यूनिट दिखानी होती है जो भी डिटेल्स आपने फर्निश करी है डेस्कटॉप असेसमेंट में वो सारी चीजें आपको दिखानी होती है कि कौन से प्रोडक्ट आप बना रहे हो कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं जो भी डिटेल्स आपने फर्निश करी है वो वेरीफाई होती है वीडियो असेसमेंट में और वीडियो असेसमेंट एक जियो टैगिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है जहां पे आपकी लोकेशन भी ट्रेस होती है कि जो आपने लोकेशन या फिर जो भी आपका एड्रेस है वहीं पे वो वीडियो हो रही है कि नहीं हो रही तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हमें वीडियो रिकॉर्ड करके देनी होगी क्या हम किसी दूसरी लोकेशन को भी दिखा सकते हैं क्या हम कहीं और भी अपनी वीडियो दिखा सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जहां पे भी आपका एड्रेस रजिस्टर्ड है उसी लोकेशन पे वेंडर असेसमेंट होना जरूरी है वीडियो असेसमेंट भी वहीं पे होती है तो कैसे ये वेंडर असेसमेंट इनिशिएट होगा किस तरीके से आप वेंडर असेसमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं वो हम लोग समझेंगे वेंडर असेसमेंट कौन कौन लोग करवा सकते हैं देखिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं खुद और खुद ही एज ओएम जेम पे वर्क करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस के लिए जा सकते हैं कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया में नहीं है मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपकी आउट ऑफ इंडिया होती है बट आप उस कंपनी के सिस्टर कंसर्न है या फिर आप उस कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर हैं और आप उन कंपनी के बिहाफ पे एज अ ओई वर्क करना चाहते हैं तो आप भी वेंडर असेसमेंट प्रोसेस करा सकते हैं एज अ डीम्ड ओई आप जेम पे अपने आप को ओईएम रजिस्टर कर सकते हैं उसके होता क्या है कि डेस्कटॉप असेसमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी के लगेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आउट ऑफ इंडिया है जिस भी कंट्री में वो लोकेटेड है उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जो वीडियो असेसमेंट है वो आपको उसी लोकेशन पे करानी होगी जिस भी कंट्री में आपकी मेनुफैक्चरिंग यूनिट है तो आप एज अ डीन ओई जेम पे रजिस्टर कर सकते हैं दूसरे थर्ड पार्टी मैनुफेक्चर जो थर्ड पार्टी मैनुफेक्चरिंग करवाते हैं ओइएम वो भी कर सकते हैं वेंडर असेसमेंट के थ्रू अपने आप को जेम पे आजा ओएम रजिस्टर कर सकते हैं तो उस केस में क्या है कि मतलब आपका कोई ब्रांड है आप एक प्रोडक्ट के ओएम हैं है बट आपके पास मैनुफेक्चरिंग यूनिट इन हाउस नहीं है आपने क्या कर रखा है मैनुफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रखी है किसी और से आप मैनुफेक्चरिंग कराते हैं और अपने नाम से अपने ब्रांड के नेम से उसे मार्केटिंग या फिर सेल करते हैं तो आप लोग भी वेंडर असेसमेंट करा सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी आप वेंडर असेसमेंट करा सकते हैं उस केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जाएंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जो थर्ड पार्टी मेनुफैक्चर हैं उनके जाएंगे वीडियो असेसमेंट अगेन जहां पे भी आपकी मेनुफैक्चरिंग हो रही है वहां पे आपको कराना होता है इस केस में एक प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट आपके बीच में होना चाहिए जहां पे सारे डिटेल मेंशन होनी चाहिए कि मेनुफैक्चरिंग कौन कर रहा है ब्रांडिंग कौन कर रहा है मार्केटिंग कौन कर रहा है जो टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों के बीच में डिसाइड हुई है वो रिटर्न में आपको सबमिट करनी होती है फिर है एग्जेपन वाला पार्ट वेंडर असेसमेंट मैंने बताया कि एक तो राइट्स करती है कुछ लोग एग्जेपन भी ले सकते हैं मतलब आपको ये प्रोसेस कराने की जरूरत नहीं है अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 500 सीआर से अबव है तो जेम पे आप ऑटोमेटिकली जितने भी कैटेगरीज हैं उनके ओई बन सकते हैं आप आ, कोई भी कैटेगरी का ओईएम पैनल ले सकते हैं एग्जंपशन जेम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती है अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट का बीआईएस लाइसेंस है तो भी आप एग्जंपशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर कैटेगरी का ओईएम पैनल आप ले सकते हैं पहले एनएससीआई के बिहाफ पे भी एग्जंपशन मिलता था बट अभी जेम ने बंद कर दिया है कुछ और भी सर्टिफिकेशन है स्पेशल अगर वो आपके पास है

अब एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि नॉमिनल सी फीस जाती है 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 के आसपास ही जाती है पहले क्या होता था कि आपकी एक कैटेगरी है या फिर फिफ्टी कैटेगरी फीस तेरह हजार दो सौ सोलह रुपए थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटीन ही आपको पे करनी होती थी बट अब प्रोसेस चेंज हो गया है अब आप जब वेंडर असेसमेंट इनिशिएट करते हो तो सबसे पहले आपको कैटेगरी बतानी है कैटेगरी बताने के बाद जैसे ही वेंडर असेसमेंट प्रोसेस आप इनिशिएट करोगे डेस्कटॉप असेसमेंट कंप्लीट करोगे तब राइट्स की टीम आपको पेमेंट कैलकुलेट करके बताती है कि आपका पेमेंट कितना बन रहा है तो बहुत नॉमिनल सी फीस आती है आप फिर वो पेमेंट करेंगे और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है तो आइए आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपनी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोफाइल को यूज करके अगर आपको एज अ एम वर्क करना है तो वेंडर असेसमेंट के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो तो फ्रेंड्स मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे वेंडर असेसमेंट प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है अपने माय अकाउंट में जाना है लॉगिन करने के बाद आप माय अकाउंट में जाएंगे जहां पे राइट हैंड साइड में आपका नेम दिखता है वहां पे जाके आप क्लिक करके माय अकाउंट पे आएंगे माय अकाउंट में आने के बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वेंडर असेसमेंट का प्रोसेस देखने को मिलेगा वेंडर असेसमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वेंडर असेसमेंट का कभी कभार प्रॉब्लम क्या होता है कि कई लोगों का वेंडर असेसमेंट का ऑप्शन जो है ना क्लिकेबल नहीं होता क्योंकि उनका जो प्रोफाइल है ना वो कंप्लीट नहीं होता तो आपका जो प्रोफाइल है ना वो कंप्लीट करना है तभी आप इस वेंडर असेसमेंट के जो ऑप्शन को एक्सेस कर पाएंगे वेंडर असेसमेंट पे आप जाएंगे वेंडर असेसमेंट पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलेगा आपको क्या करना है वेंडर असेसमेंट इनिशिएट करना है तो उसके लिए यहाँ पे न्यू असेसमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है न्यू असेसमेंट रिक्वेस्ट पे आप जाएंगे तो वेंडर असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पेनुफेक्चर इसे आप इनिशिएट वेंडर असेसमेंट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है एक ऑल्टरनेट ईमेल आई और फोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है ये आप डालेंगे सेव एंड प्रोसीड करेंगे उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल सॉफ्टवेयर आपकी प्रोफाइल से ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है इसे आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरीज बतानी होती है कि कौन कौन सी कैटेगरीज का आप वेंडर असेसमेंट कराना चाहते हैं मतलब जिन भी कैटेगरीज का आप ओईएम पैनल लेना चाहते हैं वो कैटेगरीज आपको यहाँ पे डालनी है उनकी डिटेल्स डालनी है तो जो भी कैटेगरी है मान लीजिए कि आप टेबल की कैटेगरी के लिए मैनुफेक्चरिंग करते हैं या फिर टेबल का मैनुफेक्चरिंग करते हैं और उस कैटेगरी का आप पैनल लेना चाहते हैं तो आप उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है आपका पर मंथ वो आप यहाँ पे मैंशन करेंगे अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे तो एक कैटेगरी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली अब इस कैटेगरी के साथ आप चार कैटेगरी और करते हैं पांच कैटेगरी और करते हैं या फिर दस बारह कैटेगरी और करते हैं या फिर एक ही कैटेगरी और करते हैं तो यहाँ पे ना एड न्यू रो का ऑप्शन दिया हुआ है आपको तो आप एक ही साथ मल्टीपल कैटेगरीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं टेबल के साथ चेयर भी करता हूँ तो मैं चेयर की कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा और उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा तो कहने का यह मतलब है कि जब भी आप वेंडर असेसमेंट प्रोसेस इनिशिएट करें सबसे पहले दस मिनट निकाल के आप जितनी भी पॉसिबल कैटेगरीज आपके लिए बनती हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लें और एक एक करके सारी ही कैटेगरीज आप यहाँ पे डाल दें कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसमें जेम के द्वारा कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई गई है कि एक ही बारी में मतलब एक बारी में आप पांच कर सकते हो दस कर सकते हो फिफ्टीन कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है आप जितनी कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट कर, करना चाहते हो या फिर जिन भी कैटेगरीज की आप मनुफैक्चरिंग करते हैं एड न्यू रो करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो तो ये मैंने अभी के लिए दो कैटेगरी सेलेक्ट करी है एड न्यू रो करके आप मल्टीपल कितनी भी कैटेगरीज डाल सकते हो बट ध्यान रखिएगा कैटेगरीज आपको वही सेलेक्ट करनी है जिन कैटेगरीज का आप मनुफैक्चरिंग करते हो मनुफैक्चरिंग जिस भी प्रोडक्ट की आप कर रहे हो वो ही कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट करोगे क्योंकि सारी ही कैटेगरी का वेरिफिकेशन बाद में आपके साथ आप इसे प्रोसीड करेंगे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपका उस पर क्या होता है एक लॉग इन पासवर्ड राइट्स का पहुंच जाता है और वहाँ पे एक अलग से लिंक भी आ जाता है लॉग करने का उस यूजर आई पासवर्ड को लॉग करके आप जो भी डेस्कटॉप असेसमेंट का प्रोसेस है वो वहां से स्टार्ट हो जाता है सिंपल सा प्रोसेस है जो भी डॉक्यूमेंट टीम मांगेगी वो टीम आपको सबमिट करने हैं और एक राइट्स का एग्जीक्यूटिव भी आपके साथ टच में आ जाता है जो आपको गाइड करता रहता है कि, कि किस तरीके से कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनाना है और किस में क्या डिटेल फिल करके देनी है वो इजीली आप उसे कर पाओगे तो ये तो है पेड वेंडर असेसमेंट का प्रोसेस इसके बाद आपको लॉग इन पासवर्ड आएगा लॉग इन पासवर्ड में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जैसे ही आपका डेस्कटॉप असेसमेंट कंप्लीट होगा वहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है कि कितनी पेमेंट आपको करनी है और पेमेंट करने के बाद आपका वीडियो असेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है अब एग्जेमशन अगर आप लेना चाहते हैं तो एग्जशन किस तरीके से होती है और एग्जेपन किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप ले सकते हैं वो समझ लेते हैं तो उसके लिए भी सेम आपको क्या करना है माय अकाउंट में जाना है माय अकाउंट में जाने के बाद जहां पे हमने ये वेंडर असेसमेंट का प्रोसेस डाला था इनिशिएट किया था उसके नीचे यहां पे असेसमेंट एग्जेपन का ऑप्शन आता है तो आप असेसमेंट एग्जेम्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर या फिर जिनके बिहाफ पे आप एग्जाम्शन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ले सकते हो यहाँ पे भी मेंशन है सर्टेन कैटेगरी ऑफ सेलर्स लाइक दोज हैविंग 500 करोड़ और मोर हैल स्टेट पी एस यू सेंट्रल स्टेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अथॉरिटीज आर एग्जेमटेड फ्रॉम विंडर असमेंट तो यहाँ पे ये डिटेल्स आपको दी हुई है न्यू एग्जामेशन रिक्वेस्ट पे आप जाएंगे तो सेम इसी तरीके से आपको प्रोसेस करना होता है डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना होता है मैं दिखा देता हूँ सबमिट ये कुछ क्राइटेरिया uh, है जिनके बिहाफ पे आप जेम पे वेंडर असेसमेंट एग्जामेशन ले सकते हो अगर इनमें से कुछ आपके पास है जैसे जो मेडिसिन uh, से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं या मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनके पास अगर ड्राइव ड्रग लाइसेंस है सी को है तो उनको भी एक्जशन मिलता है तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके ब्याव पे आप एग्जेपन ले सकते हैं अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप वेंडर असेसमेंट एग्जेंशन के लिए जेम पे अप्लाई कर सकते हैं सेम वही प्रोसेस है डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है सिंपल सा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है किसके ब्याह पे एग्जिम्पन ले रहे हैं उसके बाद कैटेगरीज डालनी है और उसे सबमिट करना है डिफरेंस ये है कि इसमें कोई भी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट नहीं करना होता कोई भी वीडियो असेसमेंट इसमें नहीं होती डायरेक्टली आपको एग्जिमिशन प्रोवाइड कर दी जाती है और आपका जो ओ पैनल है उस कैटेगरी के लिए एक्टिवेट हो जाता है और आप उसे ले सकते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वेंडर असमेंट के लिए अप्लाई करना होता है या फिर यह भी बोल सकता हूं कि जो लोग एज अ ओईएम वर्क करना चाहते हैं ओईएम पैनल के लिए आपको अप्लाई करना होता है ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है आपको उन कैटेगरीज का ओईएम पैनल एलोकेट कर दिया जाता है अब इसमें एक कंफ्यूजन लोगों को यह रहती है कि अगर हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है तो हम ओईएम पैनल नहीं ले सकते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना ना होना आपके ओईएम पैनल लेने में कोई भी बाधा नहीं डालता है आप ओई अगर आपको मिल जाता है मतलब आपका वेंडर असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उस कैटेगरी में एज अ वर्क करने के लिए अब बात आती है ट्रेडमार्क की अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो बहुत अच्छी बात है आप उस ट्रेडमार्क को यूज करके ओई पैनल के राइट्स ले सकते हैं वो आपको मिल जाता है फर्क क्या होता है देखिए जब आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है और आपको ओई पैनल मिल जाता है ना तो उसके बाद जितनी भी कैटलॉगिंग आप करते हैं वो इंस्टेंट अप्रूव होती है आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जेम टीम के पास चेकिंग के लिए नहीं जाते दूसरे ऑप्शन क्या होते हैं अगर इनकेस अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है तब भी आप वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद अपना ओवीएम पैनल एक्टिवेट कर सकते हैं दो ऑप्शन और वहां पे ओपन होते हैं एक होता है कि आपके पास ब्रांड नेम तो है बट उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे एक एफिडेविट एक अंडरटेकिंग आपको बना के देनी होती है जहां पे आप डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरा ब्रांड नेम है बट मेरे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है इसके नाम पे मुझे ओई पैनल दिया जाए तो जेम की टीम क्या करती है आपको उस नाम से देखेगी कि जो आपका ब्रांड नेम है वो कहीं किसी के पास रजिस्टर्ड तो नहीं है अगर वो किसी के पास भी रजिस्टर्ड स्टेज में नहीं होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है किस तरीके से जाएगा जैसे ए आपका ब्रांड नेम है तो ए डैश कंपनी नेम तो आपका ओ पैनल उस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है आपने देखा होगा मार्केट में जो अदर सेलर्स है कईयों के नाम ब्रांड्स के आगे जिनके पास रजिस्टर ट्रेडमार्क नहीं होता पहले उनका कोई ब्रांड नेम होता है और फिर डैश करके उनका कंपनी का नेम लिखा होता है तो वो उसी तरीके से आपका ओई पैनल भी एक्टिवेट हो जाता है बट उसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब तक आपके पास रजिस्टर ट्रेडमार्क नहीं होता ना तो वो जो भी प्रोडक्ट आप जेम पे अपलोड करते हो वो पहले जेम टीम के पास जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए जेम जेम की की टीम टीम चेक करेगी कि कि आपने ठीक अपलोड कर रखा है है तब वो बाद में क्लियर होते हैं जेम की टीम के द्वारा तीसरा ऑप्शन होता है कि हमारे पास कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है और हमारे पास कोई भी रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है तो उस केस में क्या होता है एक अनब्रांडेड डैश करके आपकी कंपनी नेम के नाम से आपका जो ओ पैनल है एक्टिवेट हो जाता है और जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में डालते हो तो आपका प्रोडक्ट अनब्रांडेड कंपनी के के अंडर ही आपके प्रोडक्ट पब्लिश होते हैं उस केस में भी क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग आप करते हो वो जैम टीम के पास अप्रूवल के लिए जाती है तो अगर रजिस्टर ट्रेडमार्क है तो बहुत अच्छी बात है बेनिफिट ही है उसके नहीं है तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है ओ पैनल आप ले सकते हो और एज आ ओ जेम पे वर्क कर सकते हो बट वेंडर असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद तो कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन है मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है आप मुझे मेल कर सकते हैं मुझे वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच